अब हम आ गए हैं वागदरी फॉरेस्ट में। ये फॉरेस्ट आप जब डूंगरपुर से उदयपुर आ रहे होंगे तो इस बीच में ही पड़ेगा, जब रामपुर आएगा और रामपुर के बाद वागदरी आएगा। जब वागदरी और रामपुर के बीच में आप लेफ्ट हैंड साइड में पहाड़ी पे जितना जंगल देख रहे हैं वो सारा ये फॉरेस्ट है, वागदरी फॉरेस्ट। और इस फॉरेस्ट में मैं आज जा रहा हूँ आपको बताने के लिए ये फॉरेस्ट कैसा है, देखिएगा जरूर। और शायद कहीं हमारी किस्मत हो तो हमें पैंथर भी दिख जाए, क्योंकि यहाँ पर पैंथर भी है, पैंथर भी है। और मैंने आपको बताया ना मैं ट्रेनर के साथ जा रहा हूँ, और ट्रेनर के साथ हम सब जने इसीलिए क्योंकि इस इलाके के वाकिफ हैं ये लोग। तो अब जो नेक्स्ट मैं आपको व्यू बताने वाला हूँ वो इस फॉरेस्ट का है, पूरा म्यूजिक पर होगा, देखिएगा जरूर। बीच बीच में आपसे गुफ्तगू करता रहूंगा। आपने देखा कितना ज़्यादा जंगल था, और थोड़े से अंदर आने के बाद हमें यहाँ पर दिखेगा झरने का एक पॉइंट जिसको कहते हैं हमारी भाषा में दरा, दरा दरा। और मोस्टली बारिश के टाइम में ये स्टार्ट होता है, अभी बारिश इतनी गिरी नहीं है इसीलिए यहाँ से पानी नहीं आ रहा है, पर ये व्यू आपको बताना था इसीलिए मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ, आप ऐसी रिस्क मत उठाइएगा। और ये झरना है जिसका व्यू मैं आपको नेक्स्ट अभी वीडियो में बताने वाला हूँ।
जो आपको मैंने दरा बताया था उस दरे के हम ऊपर जा रहे हैं हिल टॉप पर, ऊंची पहाड़ी पर। और वीडियो में देखा आपने ऊंची पहाड़ी पर किस तरीके से चढ़ाई थी, मैं तो अपने ट्रेनर का हाथ पकड़ पकड़ के चढ़ रहा हूँ। वरना बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो नहीं चढ़ पाए, फिसलन ज़्यादा है। और जब हम ऊपर चढ़ रहे थे तो यहाँ पर भी एक झरने का मेरे को व्यू नज़र आ रहा है। पर इससे पहले मैं आपको बता दूँ, मेरे पीछे आप देख रहे हैं हल्का सा ये चट्टान में ये छेद, हालांकि वो गुफा है। और इस गुफा में पैंथर, जो भी आप सोच सकते हैं, वो रहते हैं। हालांकि मुझे नहीं मालूम, मैंने देखा नहीं है, पर गुफा में क्या होगा, गुफा में वही चीज हो सकती है। तो नेक्स्ट व्यू जो ले जा रहा हूँ उस गुफा का ले जा रहा हूँ, उसको देख लीजिए, फिर मैं सीधा ले जाऊंगा आपको झरने की तरफ। वो थोड़ा थोड़ा सा पानी रिसक के गिर रहा है, उसको देख लीजिए। कुछ इस तरह से व्यू आगे मैंने आपको बता दिया, और नहीं बताया तो आगे वीडियो आ जाएगा इसका। सांस फूल गई, और फिर भी आपके लाइक नहीं आते हैं, कमेंट्स नहीं आते हैं, और सब्सक्राइबर नहीं होते हैं आप लोग मेरी सिटी से, तो यार दुख होता है। पर मेरा काम है अच्छे अच्छे कंटेंट लाना, जहां तक आप नहीं पहुंच पाते हैं, जिस चीज को आपने नहीं देखा है उसको आप तक पहुंचाना। तो हम सीधे थोड़ा सा घूम करके जाएंगे, यहाँ से नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत फिसलन सा भरा हुआ है ये पत्थर, इसलिए हम घूम करके जाएंगे। और ऊपर जाके मैं आपको कातिलाना व्यू बताता हूँ, कातिलाना व्यू जो आपको देखना चाहिए। सांस फूल गई है कि मुझे पता चलेगा कि मेरा इम्यूनिटी पावर कितना बढ़ चुका है या कितना है। मेरी सांस इतनी फूल गई थी कि मैं 5 से 7 मिनट ऊपर आकर के बैठ गया। और जस्ट मेरे पीछे आप ऊपर चढ़ने के बाद देख रहे हैं, ये थोड़ा सा डायरेक्शन बता रहा हूँ मैं आपको, ये जो आपको खड्डे टाइप दिख रहा है, दूसरी गुफा मेरे पीछे जो पेड़ के पीछे दिख रही होगी आपको, वो गुफा है, वो दूसरी गुफा है। तो
ऐसे कभी भी आप शूट करें तो आपके ट्रेनर को साथ में लेकर गए हैं। अब मेरा ट्रेनर तो यहाँ बैठा हुआ है, और वो गुफा में क्या रहते हैं आप ही बताइए मुझे। शेर रहते हैं, पैंथर रहते हैं, बब्बर शेर भी रहता है। और रिस्की मामला है, हम पूरे ऊपर से व्यू आपको एक बार बता देते हैं। और आपका लाइक अभी तक नहीं किया आपने तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये था मेरा बिंदास स्टेशन को लेकर के एक सुपर व्लॉग फर्स्ट फॉरेस्ट का। मेरे पीछे जो देख रहे हैं वो पूरा का पूरा है वागदरी फॉरेस्ट। और जो पहाड़ियां हैं आपको मिली जुली दिख रही हैं, वो सारी पहाड़ियां 1-2 किलोमीटर आगे तक जा रही हैं, वो काफ़ी स्पेस है। और इस बीच में जो आपको सारी ग्रीनरी दिख रही है पेड़ों की, वो सारा फॉरेस्ट है। टुकड़ों टुकड़ों में फॉरेस्ट है, आगे भी पहाड़ियों के बीच में फॉरेस्ट है, काफ़ी बड़ा है, लंबा है। हम नीचे जा रहे हैं, नीचे का एक बार व्यू देख लीजिए, हम कैसे नीचे उतरते हैं वो भी देख लीजिए। ट्रैकिंग का एक हमको एक्सपीरियंस हो गया, वो भी देख लीजिए कैसे हम ट्रैक करते हैं नीचे उतरते वक्त। तो चलते हैं सीधे नीचे, फिर बात करते हैं। ये व्लॉग कैसा लगा आपको? लाइक तो बनता ही है, शेयर भी बनता है, और साथ में कमेंट्स भी बनते हैं। आप अगर मेरी सिटी से रहे हैं और मेरी सिटी के आसपास रहने वाले हैं या फिर ऑल वर्ल्ड से हैं, तो यार कमेंट सेक्शन में जाकर के बताइएगा कि कैसा लगा यहाँ का नज़ारा। अगर नए बंदे हैं, अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है बिंदा स्टेशन को, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, रेड बटन को ओके कर दीजिए, सामने ही डोर बेल है उसको ओके कर दीजिए, और ऑल पर क्लिक जरूर करना ताकि नोटिफिकेशन आते रहें। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और बिंदास स्टेशन के नाम से फॉलो कर सकते हैं। अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप आ जाइए, मैं नई नई स्टोरी चढ़ाता हूं और आपको पता चल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, आबाद रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। मैंने मास्क इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि मैं सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए फॉरेस्ट में घूम रहा हूँ।